आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ये हमेशा से हम सुनते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चिनाब वैली में जो है आतंकवाद पैर पसार रहा है, जिस तरह से कश्मीर घाटी से जो पनप रहा है आतंकवाद, और सीधे तौर पर यहाँ पर चिनाब वैली के वहाँ पर सिविलियंस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे तह देखते हुए जो विलेज डिफेंस कमेटीज थी उनको स्ट्रेंथन करने की बात की गई। वहाँ पर ये देखा गया कि जिस तरह से आतंकवाद वहाँ पर बढ़ रहा है, चाहे हम वहाँ पर परिहार ब्रदर्स की किलिंग की बात करें या फिर आरएसएस के प्रमुख नेता चंद्रकांत शर्मा की बात करें, तो वहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि विलेज डिफेंस कमेटीज को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि 90 के दशक में जब इस तरह से वहाँ पर आतंकवाद जो था परस रहा था, सीधे तौर पर वहाँ पर देखा जा रहा था कि ज़रूरत है सिविलियंस को भी सशक्त करने की, उनको ये सिखाने की किस तरह से वो जो है संरक्षण कर सके, अपना बचाव कर सके और किस तरह से आतंकवाद से निपट सके और आतंकवाद का खात्मा कर सके। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर पीडीपी की प्रतिक्रिया आई और वहाँ पर सीधे तौर पर फिरदौस टाक जो है, फिरदौस टाक वहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर इसके खिलाफ जाते हैं, वो कहते हैं कि इसको स्ट्रेंथन क्यों किया जा रहा है। लेकिन उसी के दायरे में रहते हुए उन्होंने जो थे वहाँ पर, कहा जाता है कि वहाँ पर जो है पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी हुई, और किश्तवाड़ में ये आरोप है कि वहाँ पर लोगों को एक गलत दिशा की ओर लेकर जाने की बात की जा रही है, वहाँ पर बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसी बात पर महबूबा मुफ्ती जो है वो भी ट्वीट करती है, महबूबा मुफ्ती भी बयान देती है, सीधे तौर पर वो कहती है कि ऑनर जो किलिंग है, सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि भाई उस तरह का माहौल जो है 90 के दशक में सीधे तौर पर जो हुआ था, सीधे तौर पर जो 90 के दशक में जो माहौल हुआ था उस समय जो था माहौल बिगड़ा हुआ था, तो वो एक हारमोनी भी बिगड़ गई थी। लेकिन अब जो है आप सीधे तौर पर वो कहती हैं कि अगर सिविलियंस को इस तरह से वहाँ पर हथियार मुहैया करवाए गए तो वो खतरनाक उसके अंजाम हो सकते हैं। लेकिन जम्मू में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, यहाँ पर पीडीपी के कुछ लीडर्स मौजूद हैं और सीधे तौर पर ये सवाल कर रहे हैं कि भाई क्यों जो है फिरदौस टाक पर FIR लगाई गई, और फिरदौस टाक पर FIR इसलिए भी लगाई गई क्योंकि उन्होंने एक इस तरह से बयान दिया है जहां पर एक तरफ से VDC को स्ट्रेंथन करने की बात करी है एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं दूसरी तरफ जो है फिरदौस टाक जो है इसकी जो विरोध में आते हैं, इसके खिलाफ आते हैं। लेकिन जम्मू में यहाँ पर गुस्सा है उन तमाम नेताओं में जो इस तरह से PDP की आवाज़ बनते हैं, PDP की विचारधारा बनते हैं, और सीधे तौर पर यहाँ पर गुस्सा है, और सीधे तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि वी स्टैंड फॉर्म, वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन सवाल ये उठता है कि चंद्रकांत शर्मा की जब किलिंग हुई, या फिर सीधे तौर पर वहाँ पर हम कहें परिहार ब्रदर्स की, उस समय जो थी मांग क्यों नहीं उठी, उस समय चुप्पी क्यों साधी गई PDP की तरफ से। लेकिन अब जो है, अब अगर स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, अगर उनको जो है सही चीज़ें मुहैया करवाने की बात हो रही है, और सीधे तौर पर आतंकवाद पनप रहा है, आतंकवाद बरस रहा है वहाँ पर, और वो देखा जा रहा है कि आतंकवाद घातक है, क्योंकि चुनाव वैली की बात की तो 90 के दशक में आतंकवाद था, लेकिन अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो FIR जो है फिरदौस टाक के खिलाफ लगाई गई। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कुछ लोग मौजूद हैं जो सीधे तौर पर इस बात का जो है विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार FIR जो है वो क्यों लगाई गई। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर मैं वो मुफ्ती ने जिस तरह से कहा था कि अगर आप जो है हथियार मुहैया करवाएंगे तो वो घातक होगा, वो डेंजरस होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर लिखी गई है, स्टॉप आर्मिंग सिविलियंस। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सिविलियंस को इस तरह से वहाँ पर नहीं किया जाएगा तो माहौल जो बिगड़ रहा है किश्तवाड़ में, क्या वो और बिगड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये हम आपको दिखाते हैं क्या लिखा गया है, सीधे तौर पर स्टॉप किलिंग सिविलियंस, और इनका कहना है कि हम सपोर्ट में हैं फिरदौस टाक के। हालांकि विवादों से पुराना नाता है फिरदौस टाक का, समय समय पर इस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है जिसका रिएक्शन तमाम सियासी दल देते हैं। लेकिन यहाँ पर विरोध हो रहा है, महबूबा मुफ्ती के पक्ष में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि फिरदौस टाक उनके साथ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है VDC को, यहाँ पर इस तरह से राजनीति पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में इस तरह से जो है FIR जो है वो लगाया गया है।
बिहार में जहां पर आतंकवाद देखा जा रहा है, रात के अंधेरे में परिवार बीजेपी के प्रमुख चेहरे थे, बीजेपी के चंद्रकांत शर्मा जो आरएसएस की उनकी भी वहां पर इस तरह से हत्या कर दी। हालांकि पीडीपी की विचारधारा के साथ ये जो आज का हमारा दर्दनाक प्रदर्शन है और हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है, ये हमारे फॉर्मर एमएलसी फिरदौस टाक साहब जो किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं उस खिता से, उनके ऊपर जो FIR लगाई गई और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी पे ऊपर जो FIR लगाई गई, ये प्रदर्शन हमने इसीलिए किया है कि उस FIR को क्वैश किया जाए, वो FIR वापस ली जाए। अगर मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर अगर प्रोटेस्ट करना अगर गुनाह है तो फिर हम सब लोग गुनाहगार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये हक, हमें ये राइट देता है कि अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं हो पा रही तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आतंकवाद पनप रहा है तो स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है VDCs को, लेकिन वहां पर विरोध। मैम VDC का अगर स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, इससे पहले भी 460 मेंबरान जो थे वो VDC के मेंबर थे। अगर आप सिविलियंस को गन्ने देकर हथियार देकर अगर बोलते हैं हिफाजत करने के लिए, आपको लगता है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कमजोर है? मुझे लगता है कि उनका मनोबल गिराने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। इस तरह की हरकतें आज से पहले भी हुई है। जिस वक्त रोड जो हाईवे बंद किया गया था, जबकि 3 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारा आया था कि सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, तो उन्हें एयरलिफ्ट करवा के हमारी आर्मी को वहां पे क्यों डिप्यूट किया गया? तब फिर जाके हमने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद में जो है हाईवे रोड से बैन जो है वो उठाया गया। इसी तरीके से हम नहीं चाहते कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल जो है वो गिराया जाए, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। किलिंग होती है, चंद्रकांत शर्मा की किलिंग होती है, बीजेपी के नेता आरएसएस के नेता, एक विचारधारा, उस समय क्यों नहीं इस तरह से सवाल उठाएंगे, क्यों चुप्पी साधी है? मैम जिस वक्त बिहार ब्रदर्स की किलिंग हुई है उस वक्त पे भी हमारी पार्टी के सब लीडरान ने उस पर मजम्मत उठाई है कि किसी भी तरीके से इस तरह की सिविलियन किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो जम्मू रीजन के अंदर हो, चाहे लेह के किसी खिते में हो, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। हम नहीं चाहते कि किसी सिविलियन जो है वो अपने घर से उसकी लाश उठे और उसके जो घर वाले हैं वो बच्चे हैं वो यतीम हो जाए, जो उसकी वाइफ है वो विडो हो जाए या माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए रोती रहे। हम कभी भी इस तरह के ख्यालातों से नहीं रखते। महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर कहती हैं कि ये डेंजरस होगा अगर आर्म्स प्रोवाइड करवाए गए, लेकिन वो महबूबा मुफ्ती को ही दिखता क्यों नहीं है? वहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आहत है, इस तरह का माहौल 90 के दशक में देखा गया, लेकिन अब फिर से वो हो रहा है। मैडम अगर वहाँ पे हमारे फिरदौस टाक साहब ने अगर वहाँ पे प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शन जो किया गया वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ के हर कम्युनिटी के लोग उनके पास आए, उनकी आवाज़ बन के उन्होंने प्रदर्शन किया और उनका प्रदर्शन करने के ऊपर उन पर FIR लॉन्च कर दी गई। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सरकार से कि हमारे ऊपर भी FIR लॉन्च की जाए। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर के तले इस तरह से हुआ, क्या मानते हैं? ऐसा सही है? पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बात वहाँ पे हुई है, आप क्या कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती गलत बोल रहे हैं? महबूबा मुफ्ती हमेशा लोगों के हक के लिए आवाज उठाती आई हैं, उन्होंने कभी गलत आवाज नहीं उठाई। अगर सड़कों पे आने की जरूरत पड़ी है तो ये लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, जबकि वहाँ पे अगर इस तरह की कोई बातचीत हो रही थी या कोई ऐसा सिस्टम चल रहा था वहाँ पे किश्तवाड़ के अंदर, तो वहाँ पे खसूसन तौर से सिर्फ एक तबके को लेके क्यों एक तबके की लिस्ट क्यों बनाई गई, जबकि वहाँ पे और भी लोग रहते हैं जो एक तबका खसूसन तौर से एक आइडियोलॉजी से जुड़ा गया है, इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। मैम आप आतंकवाद के खिलाफ है ना? आपको लगता है कि कोई जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है कि सिविलियंस को स्ट्रेंथन अगर आर्मी के थ्रू किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका मनोबल गिराने की बात है। साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अगर हथियार प्रोवाइड करवाए जाएंगे सिविलियंस को तो वो घातक होगा, डेंजरस होगा, लेकिन सीधे तौर पर विरोध यहाँ पर हो रहा है। एक विरोध किश्तवाड़ में हुआ था, लेकिन एक विरोध यहाँ पर हो रहा है, वो ये विरोध था कि सीधे तौर पर वहाँ पर VDC को स्ट्रेंथन करने की बात ही, तो फिर दो स्टाक सामने दीवार बनकर आए और यहाँ पर जो तमाम PDP के लीडर्स हैं वो एक ढाल बनकर आए हैं। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।